हमारे चैनल पे हो चुके हैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स। और भाई अच्छा, बहुत से लोग जो सिर्फ गिव अवे के लिए जी रहे हैं इस वक्त, भाई क्यूब्स को ऑर्डर करके वीडियो बनाना शुरू किया। क्यूब्स ऑर्डर कर दिए हैं भाई, 5 रूबिक्स क्यूब का गिव अवे करेंगे। अब वो कब आते हैं मुझे नहीं पता, 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, इसलिए 2 हफ्तों का इंतजार कर लेना। फिलहाल मेरे चैनल पर 5,04,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, रात के 12 बज रहे हैं अभी फिलहाल। और भाई इन 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे चलो गिव अवे तो करेंगे अब, लेकिन अब वो आने में 10 दिन लगेंगे। मैंने करना 5 लाख पे ही था, ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम और क्या करेंगे। मुझे रोज़ाना, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत से ऐसा ट्रैफिक आ रहा है जो टिकटॉक से आ रहा है। टिकटॉक पे मेरे 1,10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं सॉरी, वहाँ से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। और उसके अलावा जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो शॉर्ट से आ रहे हैं, शॉर्ट से बहुत सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो लोग मुझे दिन में कुल मिलाकर टिकटॉक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर DM मिलाकर कोई 300 कमेंट बनता है, मैसेज बनता है, या जो भी कह लो कि भाई क्यूब सॉल्व करना नहीं आ रहा, क्यूब सॉल्व करना सिखाओ। हालांकि मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं जिनसे लाखों लोग क्यूब सॉल्व करना सीख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो बेतहाशा लोग हैं जो क्यूब सीखना चाह रहे हैं, लेकिन बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने स्पीड सॉल्विंग सीखनी है, मतलब ये 3x3 है, हम इसको, मेरा जो अभी लेवल है वो है 10 to 11 seconds जब मेरा वार्म अप हुआ हो। अच्छा, तो बहुत से लोग चाहते हैं स्पीड सॉल्विंग सीखनी है। उनको मैं कहता हूँ यार मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट है 3x3 ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स टू एडवांस ऐसा नाम करके, वो जाके देखो। वो कहते हैं नया बनाओ, भाई कसम से बहुत लोग कहते हैं यार, कमेंट्स जाके पढ़ो, कमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, बहुत कमेंट आते हैं। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो इस महीने 120 मिलियन व्यूज थे या इससे भी ज़्यादा होंगे थोड़े, तो कमेंट्स कितने होंगे। तो कुल मिला के बात ये है, 3x3 की स्पीड सॉल्विंग की पूरी सीरीज आ रही है जिसमें आई थिंक 10 वीडियोज होंगी, जिसमें बिगिनर से क्यूब को सॉल्व करना सीखने से क्यूब को स्पीड सॉल्व करना 10-11 seconds इवन सब 10, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो सब 10 वाला है, बस मैं लुक अहेड जो टर्मिनोलॉजी है मैं नहीं उसको यूज करता, ना मैं उस पर प्रैक्टिस की है। तो भाई मैं वेट कर रहा था हमारे पास एक डिसेंट ऑडियंस हो जाए, तो अब आई थिंक 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिसेंट है, ना कम ना बहुत ज़्यादा। तो हम अब ये सीरीज़ को लॉन्च कर सकते हैं और बहुत से लोग सीखेंगे, देखेंगे आई होप, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उतने ज़्यादा इंप्रेशंस आते हैं वीडियो पर। और मेरा एक गोल यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यूब सॉल्व करना सीखें, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पीड सॉल्व करना सीखें। क्यूब सॉल्व करना तो कोई भी सीख लेगा, लेकिन स्पीड सॉल्व करना, क्योंकि मैंने ये भी नोट किया कि आज से 1-2 साल पहले या इवन 5-6 महीने पहले जो मेरा सिखाने का एक स्किल था, जो कि मैं मुझे नहीं लगता इतना कोई खास है, लेकिन लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अब लग रहा है कि हाँ यार मेरे में शायद ऐसा कोई स्किल है कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ आसानी से चीज़, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेहतर हो गया वक्त के साथ साथ, पता नहीं कैसे, मैंने कुछ कोई काम नहीं किया अपने पे, नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है एल्गोरिथम्स को समझाना, F12 को समझाना, PLL, OLL, एडवांस क्रॉस की टेक्निक्स, या फिर F12 को इंट्यूटिवली समझाना, मैं बहुत आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ तुम लोगों को। तो ये क्या क्या लफ्ज मैं बोल गया हूँ, अगर नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, तुम लोग समझ जाओगे। तो बस यार इस वीडियो में तो इतना ही कि यार थैंक यू, दिल से थैंक यू 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। और गिव अवे जल्द आ रहा है, और हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, 3x3 स्पीड सॉल्विंग का जो प्लेलिस्ट बनाया है, और तुम लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ये उसकी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, और कल से परसों से या पता नहीं कब से वीडियोस रेगुलर आना शुरू हो जाएगी। तुम लोगों ने बस प्लेलिस्ट को लाइन वाइज फॉलो करना है, बस जो मैं कह रहा हूँ बस आंखें बंद करके यकीन कर लो, जितने सॉल्व करने को मैं कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस टेक्निक्स मैं दे रहा हूँ, जो जो मैं बकवास कर रहा हूँ तुम लोगों ने बस मानना है, तुम लोग बन जाओगे स्पीड क्या कहते हैं, स्पीड क्यूबर, और मुझे इतना भी नहीं पता कहते क्या है, स्पीड क्यूबर, हाँ तुम लोग स्पीड क्यूबर बन जाओगे। वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं पता मजीद क्या बोलूँ, पता नहीं वीडियो में मैं इतना अच्छा क्यों लग रहा हूँ, असल में इतना अच्छा हूँ नहीं। गुड बाय।